किसान कृषि में आधुनिक तकनीकों को जानिए, विशेषज्ञों के साथ करें, किसान ऐप डाउनलोड करें। किसान कृषि में आधुनिक तकनीकों को जानिए, विशेषज्ञों के साथ सीधे संवाद करें, किसान ऐप डाउनलोड करें। गाडवे जी प्लीज शुरू कीजिए। हाँ हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है, प्लीज स्टार्ट कीजिए। आपका सबका इस सेमिनार में सबका स्वागत है, जो पार्टिसिपेंट है, जो ज्ञान देने वाले है, सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और सेमिनार शुरू करने की विनती करता हूँ। अच्छा निरीक्षक, एक ही मिनट, मैं सिर्फ आए हुए लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये आज हमारा वेबिनार का विषय जो है वो है पॉली हाउस में रंगीन मिर्ची का गुणवत्तात्मक उत्पादन। हमारे साथ है मार्गदर्शक है श्री वेणुगोपाल रेड्डी जी, जो फसल विशेषज्ञ है और वो बेंगलुरु से है, वो उनकी कंपनी का नाम है रिच चौहान सीड्स इंडिया लिमिटेड। और आप सबसे विनती है कि अगर आपको कुछ पूछना भी है तो आप वहाँ पे Q&A करके लिखा हुआ है स्क्रीन के नीचे, उस पर क्लिक करके आपका सवाल जो है वो वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और अगर बात करनी है तो वो रेज हैंड का जो हाथ का साइन है उस पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन पहले प्रेजेंटेशन होगा और उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर हम लेंगे। धन्यवाद। तो रेड्डी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो चालू करें। सभी किसान भाइयों को और किसान ये संघ का जो आयोजक है उनको भी मेरा नमस्कार है। तो मेरा नाम है वेणुगोपाल रेड्डी, मैं रेक्सवान इंडिया सीड्स में क्रॉप स्पेशलिस्ट का रोल में काम कर रहा हूं। तो आज जो ये है विषय है स्वीट पेपर पॉली हाउस में संरक्षित वातावरण में रंग रंगीन मिर्ची और हरा मिर्ची शिमला मिर्च ग्रो करने के लिए तो क्या हमको चाहिए, उसमें तो क्या कैसा प्रकार का कंडीशंस चाहिए, मिट्टी कैसा होना चाहिए और पानी कैसा चाहिए, उसमें हमको क्या दिक्कत आएगा, उसके बारे में आप सभी को प्रेजेंटेशन का माध्यम से 40-25 मिनट मेरा जो नॉलेज जो है जो आपसे शेयर करूंगा। तो ये जो है रेक्सवान जो है फैमिली बेस्ड कंपनी है। रेक्सवान का बारे में 2-3 स्लाइड बोलना चाहता हूँ। रेक्सवान जो है फैमिली बेस्ड कंपनी है, ये पर्सन का नाम भी है रेक्सवान है, इन्होंने स्थापित किया गया कंपनी 1924 में नेदरलैंड में स्थापित हुआ कंपनी है।
तो ये इंडिपेंडेंट कंपनी है और लगभग इसमें तो 3,300 एम्प्लॉयज ग्लोबली काम कर रहा है। जो रेक्सवन जो है ओनली इनटू वेजिटेबल सीड, इनका वर्ल्ड वाइड ब्रीडिंग लोकेशंस है, हाईटेक रिसर्च के लिए बहुत ये काम कर रहा है और नेचुरल डाइवर्सिटी जो भी डिमांड से मार्केट से डिमांड आएगा उस तरफ से ब्रीडिंग किया जाएगा, सारा ब्रीडिंग एक्टिविटीज नेचुरल डेवलपमेंट प्रोसेस है। तो जो आप देख रहे हैं नेदरलैंड छोटा सा कंट्री है वेस्टर्न यूरोप में, तो लगभग रेक्सवन इनका प्रेजेंस है 100 कंट्री में इनका प्रेजेंस है, लगभग 30 से ज्यादा कंट्री में डायरेक्ट प्रेजेंस है, वो जो 70 अदर कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूटर का द्वारा ऑपरेट कर रहा है रेक्सवन। सो इनका गुणात्मक बीज वेजिटेबल बीज सप्लाई करने के लिए प्रथम स्थान में है ग्लोबली, इनका पोजीशन देखा जाए तो ग्लोबली फिफ्थ लार्जेस्ट वेजिटेबल सीड सप्लायर है रेक्सवन। सो इनका जो टर्नओवर होगा वो 30% का टर्नओवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगा जाएगा, सो 40% का स्टाफ जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही करेगा। सो स्पेशलिटी प्रोडक्ट के लिए तो ज्यादा ध्यान दे रहा है रेक्सवन ग्लोबली। सो अभी बीज का ये देखा जाए तो हमें इसको कैसा स्टोर करना, सीड स्टोरेज बहुत ये है इम्पोर्टेंट चीज है। तो हम बीज खरीद रहे हैं उस बीज को कोल्ड प्लेस में रखना चाहिए, ड्राई प्लेस में रखना चाहिए, तो ह्यूमिड प्लेस से मॉइस्चर से सीड को बचा के रखना है। तो जर्मिनेशन के लिए हम ये सीड को बेटर जर्मिनेट होगा तो टेम्परेचर जो है 22-27 का बीच में हो गया तो बहुत अच्छे तरह से जर्मिनेशन हो पाएगा, तो और ह्यूमिडिटी जर्मिनेशन के लिए 70-90% होना जरूरी है। तो क्लीन मीडिया यूज करना है हम वो जर्मिनेशन प्रोसेस के लिए, मैं अगला साइड में आपको दिखाऊंगा। तो नर्सरीज जो है उसमें भी आज का डेट में नर्सरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही गुणात्मक का सीडलिंग वो सप्लाई कर सकता है। सीड क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए और स्टोरेज भी अच्छा होना चाहिए। ट्रे साइज जो है आज का डेट में मार्केट में 98 कैविटी का साइज ट्रे मिल रहे, 70 कैविटी का भी ट्रे मिल रहे, 50 ट्रैविटी का भी ट्रे मिल रहे, तो एज एंड साइज ऑफ द कैविटी आल्सो डिटरमाइंस। ग्रोइंग मीडिया, ये जो मीडिया है वो मॉइस्चर को अच्छी तरह से पकड़ सके, एरेशन भी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इसका बेटर रूट डेवलपमेंट भी होगा। तो मीडिया जरूर अच्छा मीडिया के लिए ग्रोइंग मीडिया जो है कोकोपीट है उसके लिए हम ध्यान देना है। सो ट्रे इसको रैक्स में भी रखना है, वाटरिंग को भी हम जरूर ये करना है, केयर करना है, तो पानी सही सलब से पानी दे, और वो ट्रेस रैक के ऊपर ट्रेस रखने की वजह से तो बेटर रूट ग्रोथ होगा। और फर्टिलाइजर भी हम जो सीडलिंग स्टेज में जो है इसी लेवल का आधार पर हम 1 से लेकर 2 मिली सीमेंस तक हम दे सकते हैं, तो शिमला मिर्च और टोमेटो के लिए तो हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं नर्सरी स्टेज पे। डिसीज प्रिवेंशन के लिए भी जो भी वो इनिशियल स्टेज में आएगा या पिथियम हो या पैटाप्टर हो रेजाक्टोनिया हो तो मैं दिखाऊंगा आगे, तो इसको भी हम ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हार्डनिंग होना चाहिए, तो लगभग शिमला मिर्च 30 से लेकर 35 डेज लेगा तो तैयार होने के लिए, उसके पहले 2-3 दिन पहले तो हम हार्डनिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो 2-3 दिन हार्ड हो गया तो बाद में मेन फील्ड में वो सही सलामत ये टिक पाएगा और बेटर रूट डेवलपमेंट भी कर सकेगा। सो आप जो देख रहे हैं ये मीडिया जो है तो ये फिल कर रहे हैं राइट हैंड साइड में, मीडिया जो है वो परलाइट एंड वर्मिकुलेटेड एडेड मीडिया भी है, तो लेफ्ट साइड में जो है तो ये ट्रे 70 कैविटी का कॉनिकल ट्रे ये है। तो इस समय पर आप इस स्लाइड में आप देख रहे हैं ये कोकोपीट रेडीली मेड कोकोपीट नर्सरी का मिलेगा बैग्स में, 25 केजी का बैग में मिलेगा, तो ये वो उस कोकोपीट को भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो भी बैग में ले आता है वो बैग को हम या 1 महीने के
अंदर अंदर हम यूज करना पड़ेगा, ज्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते इस कोकोपीट को क्योंकि वो प्रॉपर्टीज चेंज हो सकता है। तो अच्छी तरफ से डेप्थ ऑफ सोइंग आल्सो इम्पोर्टेंट, वो उसको ज्यादा डीप ना सो करे, तो लगभग 1-1.5 सेंटीमीटर के डीप में और सेंटर ऑफ द सेल पेट्रो कर सो करके उसके ऊपर थोड़ा सा कोकोपीट ये करके हम जर्मिनेशन जर्मिनेटर या इनक्यूबेशन के लिए हम रखना पड़ेगा। ये जो है आप दिख रहे अभी अभी एमर्ज हो रहा है सीडलिंग जो एमर्ज हो रहा है ट्रे से। तो आप जो है अगर वो कहीं नर्सरी वाला और किसान भाई कहीं समर पर ऐसा हो जाता है तो वो उनका जो जर्मिनेशन रूम से ट्रे लेकर बाहर रखना थोड़ा डिले हो गया तो वो जर्मिनेट होने के वजह से वो लैंकी हो जाएगा। आप मैं जो ये दिखा रहा हूँ यहाँ तो डिले वो ट्रे को मेन नर्सरी में स्प्रेड करने में डिले हो जाए तो ये लैंकी हो जाएगा। इसके लिए जो शिमला मिर्च के लिए शिमला मिर्च जर्मिनेशन के लिए 5 दिन लेगा 5-8 डेज। तो उनका अंतर जब ये 50-60% एमरजेंस होने के बाद हम उस ट्रे को जर्मिनेशन रूम से लाके या बेंच पे या नर्सरी पर रखना बहुत जरूरी है। डिले हो गया तो लैंकी हो जाता है क्योंकि वो लाइट को अगर उठाते उठाते तो लाइट को सर्च करेगा ढूंढेगा। सो इसके वजह से जो भी ये आप सीड खरीदता है आपको ये पैकेट का बचा के रहना, वो लॉट नंबर जब जर्मिनेशन होने तक और तब क्रॉप खत्म होने तक आप वो सीड पैकेट को संभाल के रखिए, वही तो लेटर ऑन कुछ ये हो गया तो आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये स्लाइड में आप जो देख रहे हैं ये टोमेटो का पौधा है। तो आप इसमें मेरा दिखाने का कारण ये है तो वॉल्यूम वो सेल का वॉल्यूम जो ट्रे का कैविटी का साइज बढ़िया होने से वजह से बेटर रूट डेवलपमेंट होगा ये होगा। इसीलिए तो शिमला मिर्च और टोमेटो के लिए 70 कैविटी का ट्रे है वो बहुत इन्फ्लुएंस करेगा रूट मास पर। इसलिए सो सभी किसान भाई जो है तो 70 कैविटी का अगर आप यूज करें तो उसमें ज्यादा कोकोपीट भी ज्यादा पकड़ेगा तो लेकिन उसमें जो स्टेम गर्त जो है वो स्टेम गर्त भी बढ़िया रहेगा और रूट मास जो है वो रूट मास भी अधिक रहे अधिक होने से वजह से तो मेन फील्ड में वो सही सलामत एक यूनिफॉर्मली क्रॉप एस्टेब्लिश होगा। तो स्पेसिस भी होना चाहिए अगर ज्यादा दिन अधिक दिन होने का सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग करने से आराम से वो फ्लावरिंग आ जाए। इसीलिए जो शिमला मिर्च 30-35 डेज ओल्ड सीडलिंग्स तैयार होगा ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए। अगर टोमेटो में देखा जाए 21-25 डेज के अंदर सीडलिंग्स हमको यूज करने में यूज करना चाहिए। ये जो है फर्टिगेशन भी हम दे सकते हैं नर्सरी में 15 दिन के बाद शिमला मिर्च के लिए 12-12-60-10 एक ग्राम पर लीटर हम स्प्रे कर सकते हैं। 20 दिन में 19-19-0 1 ग्राम पर लीटर यूज कर सकते हैं और 25 दिन में 13-13-40-13 1.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर को भी हम ड्रेंच कर सकते हैं। 30 दिन के बाद 0.50-34 1.5 ग्राम के हिसाब से हम ड्रेंच कर सकते हैं। 35 डेज के अंतर में 6-12-6 ये जो है वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर को हम ड्रेंच कर सकते हैं। स्प्रे शेड्यूल भी जो है आजकल बहुत सारा केमिकल्स आया है मार्केट में तो 12 दिन से ही हम नर्सरी में अगर आपका नर्सरी में सकिंग पेस्ट का जो इंसिडेंस है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड थाइमेथोक्साम एडमायर ये अबामेक्टिन जो मॉलिक्यूल्स है वो हम टारगेट कर रहे हैं सकिंग पेस्ट जो या वाइट फ्लाई थ्रिप्स एपिड्स इसके लिए ये मदद करेगा। अगर आपका एरिया में तो ज्यादा व्हाइट माइट और रेड माइट का दिक्कत सवाल आएगा तो इसके लिए हम अबामेक्टिन को भी यूज कर सकते हैं। तो ये स्प्रे शेड्यूल है। ये आप जो देख रहे हैं ये हेल्थी सीडलिंग है 35 डेज का सीडलिंग जो है ये है उनका स्टेम गर्थ भी बढ़िया है रूट भी डेवलपमेंट हो चुका है व्हाइट रूट भी व्हाइट रूट मास भी वो है तो ये ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए मेन फील्ड में उगाने के लिए तैयार है।
क्यों हमें इस पर ध्यान देना है सीडलिंग पर, क्योंकि ये यूनिफॉर्म क्रॉप एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए बहुत मदद करेगा, सही समय का सीडलिंग, और हम इसको वेक्टर बोर्न डिसीजेस से, वेक्टर ट्रांसमिटेड डिसीजेस से बचा के रख सकते हैं, और ये कंटिन्यूस एंड बैलेंस्ड प्रोडक्शन हमको दे जाएगा अगर हम सीडलिंग सही सलामत सीडलिंग लिया तो। कई ग्रोअर वही खुद बीज खरीदते हैं और वही लगाने के लिए सोचते हैं, तो उनका सराउंडिंग क्रॉप जो होता है, या काटन हो, या ग्राउंडनट हो, या चिल्ली हो, इससे वाइट फ्लाई से बचा के रखने के लिए तो 40-50 मेश यूज का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये वाइट फ्लाई जो है तो वो लीफ कर्ल वायरस को ट्रांसमिट करेगा, इसीलिए ये क्रॉप जो है सीडलिंग जो है उस सीडलिंग 35 days अप टू 35 days हम सीडलिंग को ये वाइट फ्लाई से बचा के रहना बहुत जरूरी है, तो ये वाइट फ्लाई लीफ कर्ल वायरस को ट्रांसमिट कर सकता है। ये जो आप देख रहे टोमेटो में वाइट फ्लाई है, कई टोमेटो वैरायटीज में लीफ कर्ल वायरस रेसिस्टेंट वैरायटीज है, लेकिन शिमला मिर्च में कोई कंपनी का पास लीफ कर्ल वायरस रेसिस्टेंट वैरायटीज ना होने से वजह से तो वो वायरसेस के लिए, लीफ कर्ल वायरसेस के लिए ससेप्टेबल है, इसीलिए शिमला मिर्च को हम वाइट फ्लाई से बचा के रहना नर्सरी 35 days इन द नर्सरी एंड 35 days इन द मेन फील्ड हम बहुत ही इससे वाइट फ्लाई से बचा के रहना बहुत जरूरी है। ये जो आप देख रहे हैं तो वाइट फ्लाई नर्सरी स्टेज में इन्फेक्ट हो गया, तो मान लो तीसरा दिन इन्फेक्शन हो गया, या बाद में हम सीडलिंग को कोई किसान भाई ले जाके उनको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, 2 weeks के नंतर उनका लीफ कर्ल सिम्टम्स विजिबल होगा, तो इसीलिए वाइट फ्लाई से क्रॉप बचा के रहना बहुत जरूरी है 35 days या नर्सरी स्टेज में, और 35 days मेन फील्ड में, लगभग 70 days हम वो वाइट फ्लाई से बचा के रख सकता है, तो हम इस लीफ कर्ल वायरस से क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये जो वाइट फ्लाई है टोमेटो में, टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस ट्रांसमिट करेगा, चिल्ली में चिल्ली लीफ कर्ल वायरस ट्रांसमिट करेगा, और स्वीट पेपर में भी, शिमला मिर्च में भी ये लीफ कर्ल वायरस ट्रांसमिट करेगा। इनका जो लाइफ साइकिल है 24-28 days है अंडे से लेकर अडल्ट तक, सो इसके लिए तो ये बहुत खतरनाक वेक्टर है, इससे हम हमेशा हम स्वीट पेपर को कलर कैप्सिकम को या ग्रीन कैप्सिकम से बचा के रहना बहुत जरूरी है। जो अन्य नर्सरी स्टेज में जो हम दिक्कत आएगा पिथियम आएगा, तो पिथियम जो है ये फंगस है, इनिशियल स्टेजेस में आता है, स्टेम ब्लैक होगा तो कॉलर रॉट पर, इसीलिए तो हम सही सलामत से पानी देना पड़ेगा, ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म मॉइस्चर जो है सही सलामत 50% फील्ड जो मॉइस्चर जो है तो रहना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो ट्रे आजकल सभी नर्सरी ग्रोअर्स डिस्पोजेबल ट्रे यूज करते हैं, तो इसलिए आप जो भी ग्रोअर ये ट्रेस को रीयूज कर रहे हैं उनसे उस ट्रेस को डिसइंफेक्ट करके करना पड़ेगा, और ये कोकोपीट जो है तो उससे रेन वाटर से और या इससे बचा के रखना बहुत जरूरी है। तो ट्रे एंड कोकोपीट कैन आल्सो ऐड दिस पिथियम, कैन बी ए कल्प्रिट फॉर पिथियम डिसीज, आरंभ में ये पिथियम डिसीज आएगा, इसीलिए स्टरलाइज कोकोपीट यूज करना बहुत जरूरी है, कोकोपीट को अच्छे तरफ से हम प्रोटेक्ट करके रखना है, और ट्रेस को भी फ्रेश ट्रेस यूज करना है, अगर फ्रेश ट्रेस नहीं है आप दोबारा भी यूज कर सकते हैं, उसको हम स्टरलाइज करके नीटली धो के या फॉर्मलिन सॉल्यूशन में डिसइंफेक्ट करके दोबारा हम यूज कर सकते हैं उस ट्रेस को। सो पिथियम और पाइटोप्थरा ये जो है दोनों फंगल है वो आरंभ स्टेज में भी आएगा, पिथियम जो है इनिशियल स्टेज आएगा, पाइटोप्थरा जो अन्य स्टेज में आएगा इनिशियल स्टेज में भी आएगा, तो बाद में भी मेन फील्ड में भी आएगा, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ बाद में। ये जो है नर्सरी में आजकल बहुत लोग स्टिकी ट्रैप्स यूज कर रहे हैं, येलो स्टिकी ट्रैप्स जो है वो वाइट फ्लाई और थ्रिप्स सबको अट्रैक्ट करेगा, ये ब्लू स्टिकी ट्रैप्स जो है सिर्फ वो थ्रिप्स के लिए अट्रैक्ट होगा,
सो इसीलिए हम ज्यादा स्टिकी ट्रैप्स यूज करने से हम सकिंग पेस्ट से क्रॉप को बचा सकते हैं आरंभ में। तो ये जो आप देख रहे हैं विजुअल्स, तो ये येलो स्टिकी ट्रैप्स लगा के रखा है नर्सरी में, फैन एंड पैड का नर्सरी में, ट्रेंचेस में जो सीलिंग कटरेज जो है वो ऑन द बेंचेस है। तो इस प्रकार से हम इन आरंभ में वो सीडलिंग जो है, वो पौधा जो है तो बहुत ससेप्टेबल होता है आरंभ में, इसीलिए हम हमेशा वो वाइट फ्लाइज और थ्रिप्स एफिड से बचा के रहना बहुत बहुत जरूरी है। कमर्शियल नर्सरी जो है आजकल हमारा हिंदुस्तान में भी बहुत कमर्शियल नर्सरीज आ रहा है, सेंटर ऑफ एक्सलेंस हो या प्राइवेट नर्सरीज हो, वो बूमर से इरिगेशन देगा तो फुल्ली क्लाइमेट कंट्रोल नर्सरीज है, उसमें तो वेक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कई जगह पे किसान भाई और सीड लेके वही खुद सीडलिंग तैयार करना चाहता है उस एरिया पर। तो अगर आप राइट साइड तस्वीर में जो देख रहे हैं उसमें तो नेट टूटा है, तो वो नेट टूटा होने से वजह से तो सकिंग पेस या वाइट फ्लाई हो, थ्रिप्स हो, एफिड्स हो, वो सब आके जो क्रॉप वो पीछे जो है वो वीड्स है, वो वीड्स में होस्ट करेगा, वीड्स को हम अल्टरनेटिव होस्ट कहते हैं। तो अगर जब ही हम सीडलिंग तैयार हो जाता है वो अपना अपना आके तो वो सक करेगा, सक करके जाए तो हमको कोई ये नहीं है, लेकिन वो उसमें उनका बॉडी में जो वायरस रहता है वाइट फ्लाई में, थ्रिप्स में और एफिड्स में, वो सीडलिंग को ट्रांसमिट करके जाएगा, तो लेटर स्टेजेस हमको तो वायरल डिसीजेस मेन फील्ड में विजिबल होगा, इसीलिए तो हम सकिंग पेस्ट के बचा के रहना बहुत जरूरी है। ये जो है एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस है एक जगह में, तो इतना बढ़िया फैसिलिटी रखा के किया है, लेकिन पीछे जो है वो पार्थेनियम, आप जो राइट हैंड साइड देख रहे हैं तो वहाँ पार्थेनियम है, मान लो कहाँ पर भी प्लास्टिक तो छोटा सा टूट गया हो या प्लास्टिक फट गया है, वहां से वो इंसेक्ट्स अंदर जाएगा, वो मेनली वो सकिंग पेस्ट जो है अंदर जाएगा। सो इसीलिए तो हमारा पॉली हाउस या नेट हाउस और नर्सरी के सराउंडिंग जो 20-30 मीटर सराउंडिंग जो है वो हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, वो वीड्स अन्य प्रकार का कोई प्लांट्स नहीं रहना चाहिए, या ऑर्नामेंटल हो या वीड्स हो कोई भी हो वो नहीं रहना चाहिए, इसके लिए तो हमेशा ध्यान में रखना है। तो हम वो वीड्स को क्लियर करना, वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है वो हम सराउंडिंग एनवायरनमेंट बहुत नीटली रखना है, तो देर शुड नॉट बी एनी वीड्स, वो वीड नहीं रहना चाहिए, तो और जो भी ऑर्नामेंटल प्लांट है उस भी एटलीस्ट 20-30 मीटर रेडियस में कोई भी नहीं रहना चाहिए, इसीलिए तो हम वेक्टर बोर्न डिसीजेस ये जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सराउंडिंग एरिया में भी अंदर पॉलीहाउस का अंदर भी वीड फ्री रहना चाहिए और बाहर भी वीड फ्री रहना चाहिए, इसके वजह से तो हम 70-80% तो प्रॉब्लम लेटर स्टेज प्रॉब्लम जो आएगा वेक्टर बोर्न इंसेक्ट से तो अल्टरनेटिव होस्ट से हम बचा के रखना है, ये वीड्स कैन सर्व एज एन अल्टरनेटिव होस्ट। ये प्लांटिंग सीजन जो है शिमला मिर्च के लिए, तो हमारा हिंदुस्तान में तो मेजर थ्री लोकेशंस पर इसको ग्रो किया जाएगा ज्यादा एरिया में, पंजाब हरियाणा में जो है अगस्त सितंबर में सिफारिश है प्लांटिंग करने के लिए, महाराष्ट्र में जून जुलाई में सिफारिश है, और कर्नाटक में भी जून जुलाई से ग्रोअर्स पॉली हाउस में, नेट हाउस में और ओपन फील्ड में कैप्सिकम को उगा रहे हैं। ये कैप्सिकम के लिए तो क्लाइमेट बहुत बढ़िया होना चाहिए, अगर ये जो भी स्टेज में 18 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक उसका तापमान हो गया तो क्रॉप्स कैप्सिकम भी बढ़िया क्वालिटी निकलेगा और सेटिंग भी अच्छा होगा। अगर ये 16 डिग्री के बिलो हो गया तो फ्रूट सेट में दिक्कत आ जाएगा, और 24 डिग्री के ऊपर हो गया तो पॉलिनेशन ये होगा, इसीलिए 18-28 डिग्री जो है वो टेम्परेचर में तो क्रॉप बढ़िया परफॉर्म करेगा। तो सॉइल प्रिपरेशन जो आप देख रहे हैं, ये सॉइल भी रेड सॉइल, रेड लोमी सॉइल इनके लिए बहुत, पॉली हाउस में ग्रो करने के लिए इनके लिए कैप्सिकम शिमला मिर्च के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, तो रेड रेड सॉइल, रेड लोमी सॉइल, वेल ड्रेन सॉइल होना बहुत जरूरी है।
तो कई प्रकार का ग्रोयर एक क्रॉप के होने से बाद में तो वो डिसइनफेक्ट कर रहेगा, सॉइल को पूरा डिसइनफेक्ट कर रहेगा, फॉर्मालडिहाइड सॉल्यूशन वो या कोई वो, सो इसीलिए वो 4% फॉर्मालडिहाइड को यूज कर रहा है आजकल कई किसान भाई। तो 4 लीटर पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, 4 लीटर पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से वो ड्रेंच कर रहा है। सो उस समय पर वो यहाँ तस्वीरें में दिखा है वो हैंड ग्लव्स और मास्क लगा के रखा है, लेकिन वो बेयर फुट में है, इसीलिए वो शू पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि तो इंसेक्टिसाइड जो है वो केमिकल जो है वो फूड का द्वारा भी ह्यूमन में एंट्री होगा, इसीलिए तो फुल्ली प्रोटेक्टेड ग्लव्स डाल के या इंसेक्टिसाइड या फ्यूमिगेंट को हम स्प्रे करना बहुत जरूरी है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो है फ्यूमिगेशन भी कर रहे हैं आजकल किसान भाई, तो इसमें जो है अन्य प्रकार का फ्यूमिगेंट्स है, ये डेजोमेट है एक केमिकल, सो इस प्रकार का केमिकल्स को फ्यूमिगेट करके मल्चिंग शीट लगा के तो उसको सॉइल को फ्यूमिगेट कर सकता है, अगर उनका सॉइल में कुछ प्रॉब्लम है फर्स्ट क्रॉप में या नेमेटोड का प्रॉब्लम आ गया, तो बैक्टीरिया का कुछ प्रॉब्लम आ गया और फंगस का कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो इस केमिकल्स को फ्यूमिगेंट्स को किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल करने से पहले वो फ्यूमिगेंट सप्लाई जो कर रहे हैं वो केमिकल कंपनी से टच रहना बहुत जरूरी है, वो बताएगा इनमें क्या करना है या क्या नहीं करना, कैसे वो फ्यूमिगेंट को इस्तेमाल करना। सो अगर आप मान लो तो आपका सॉइल में कुछ दिक्कत है, या अगर आपको सॉइल में नेमेटोड है या कुछ बैक्टीरिया का रिस्क है, तो आप बायो कंट्रोल एजेंट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, पेसिलियोमाइसिस, पचोनिया, ये बायो कंट्रोल एजेंट्स बहुत आज के डेट में मिल रहे हैं, उसको भी नीम में मिक्स करके 4-5 दिन को उसको पॉपुलेशन बढ़ा के तो इसको भी आप मिट्टी में मिला सकते हैं। ये जो दिखा रहे हैं ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास स्पेशलियोमाइसिस किसान भाई ऐड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो इसको सही सलामत मॉइस्चर रहना चाहिए, 5 दिन इसको शेड में रख के ये 4th दिन आप इसमें मिट्टी में मिला सकते हैं। ये जो है 800 kg नीम केक होना चाहिए और 10 किलो सीच ऑफ ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास स्पेशलियोमाइसिस आप इसमें मिक्स करके 5 दिन उसको शेड में रख के तो माइसिलियल ग्रोथ होने का हलो करना है, तो आप किसान भाई उसको मिट्टी में मिलाना चाहिए। तो जितना जितना आप बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज करेंगे उतना आप मदद होगा, क्योंकि ये बेनिफिशियल है, ये नेमेटोड हो या फंगाई हो या बैक्टीरिया हो, हार्मफुल बैक्टीरिया जो सॉइल बोर्न बैक्टीरिया हो उसको, उन पॉपुलेशन उसको कंट्रोल करने में ये मदद करेगा, बायो कंट्रोल एजेंट्स मदद करेगा। शिमला मिर्च का क्रॉप देखा जाए तो फ्लावर है, स्टेम, फ्रूट्स एंड लीव्स, ये जो है गुड क्वालिटी, अगर पॉली हाउस कई किसान भाई वो पॉली हाउस है उसके पास, अगर कोई सोच रहे हो मैं पॉली हाउस लगाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्ट करना चाहूंगा, तो गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन भी होना चाहिए, गुड कंपनी को आप अप्रोच करें तो वो आपको बढ़िया क्वालिटी का स्ट्रक्चर बना के देगा। जो इकोनॉमिक्स जो देखे हम कलर कैप्सिकम, कलर कैप्सिकम का पॉली हाउस में, तो एक एकड़ पॉली हाउस कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमको लगभग 25 लाख रुपए होना चाहिए, तो दैट हम 5 साल में वो उसका रेंट डिवाइड लेके गया, 1 साल के लिए तो 5 लाख रुपया उसका रेंट जाएगा, तो एक क्रॉप, एक शिमला मिर्च जो है 9 से 11 महीने का क्रॉप है, तो मान लो एक साल का क्रॉप है, 1 साल में इंक्लूडिंग पॉली हाउस रेंट, सीडलिंग कॉस्ट, मेन्यूर प्रिपरेशन, लैंड प्रिपरेशन और प्लांट प्रोडक्शन केमिकल, ये सब मिला के हमको 12 लाख रुपए तक खर्चा आ जाएगा, तो इनमें से एवरेज फसल निकलेगा, हम एक एकड़ में 1 साल में 40,000 किलो हमको फसल निकलेगा, तो मान लो हम 50 रुपया के अंदाजे में बेच रहे तो हमको 20 लाख रुपया ग्रॉस इनकम मिलेगा इसमें, तो हमको नेट इनकम जो मिलेगा तो हम लगभग 7.75 लाख, लगभग 8 लाख रुपया तक हम पूरा खर्चा निकाल के
तो 8 लाख रुपए हमको बचेगा साल में। तो इस प्रकार के, और कई ग्रोअर ज्यादा भी यील्ड लेते हैं तो, और कई कई ग्रोअर कई एरिया में तो उनका रेट भी बढ़िया रहेगा, तो ये एवरेज बता रहा हूं मैं आपको। तो ये जो है हम रेज बेड में कर रहे हैं, बेड प्रिपरेशन जो है तो मैंने पहले बता दिया, तो रेड एंड रेड लोमिसाइल कैप्सिकम के लिए संरक्षित वातावरण में कैप्सिकम ग्रो करने के लिए रेड एंड रेड लोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके पास डीप कॉटन सॉइल है, वाटर लॉगिंग सॉइल है और सलाइन सॉइल है, वो सॉइल आपको इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा, तो आप सोच संभाल के कंसल्ट करके, अगर प्रॉब्लम अगर आपका कॉटन डीप ब्लैक कॉटन सॉइल से वाटर लॉगिंग का इश्यू हो रहा है तो आप केयरफुली रहना चाहिए। तो इसमें जो है तो हम लैंड प्रिपरेशन किया, उसके बेड भी बनाना पड़ेगा। तो बेड का विड्थ क्या होना चाहिए, बेड का विड्थ होना चाहिए 0.75 मीटर और वॉकिंग पाथ भी होना चाहिए 0.75 मीटर। हम जिगजैग मैनर में तो 40 सेंटीमीटर में एक 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 सीडलिंग को हम लगाएंगे। तो इसका सॉइल पीएच और वाटर पीएच भी 6 to 6.5 होना जरूरी है। अगर आपका वाटर में तो कुछ सॉल्ट का इश्यूज है तो आपका वाटर ईसी जो है 1 से ऊपर 1 मिलीसीमन के ऊपर है और सोडियम और क्लोराइड कंटेंट अधिक है तो वो सॉइल बढ़िया नहीं रहेगा शिमला मिर्च ग्रो करने के लिए। तो इसके लिए तो आप सॉइल एंड वाटर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपका सॉइल एंड वाटर सही ढंग से एनालिसिस के लिए देना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से हम बेड विड्थ 0.5, वॉकिंग पाथ 40 सेंटीमीटर का अंतर में हम लगाएंगे, तो 1 एकड़ में हमको लगभग 13,000 पौधे हम उगा सकते हैं 1 एकड़ में। साइलेंट वाटर बताया मैंने, तो इसीलिए आप ध्यान में रखना साइलेंट वाटर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट आरंभ से पहले आप साइलेंट वाटर एनालिसिस कर दीजिए। जो किसान भाई अभी शिमला मिर्च ग्रो कर रहे उनके लिए एक साल में एक बार या दो बार आपका साइल एंड वाटर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। सो सॉइल एनालिसिस में न्यूट्रिएंट का वजह से आप सॉइल रिस्क एनालिसिस भी कर सकते हैं, इनके इसमें नेमेटोड काउंट क्या है या पॉइटॉप्टेरा का रिस्क क्या है, बैक्टीरियल विल्ट का रिस्क क्या है। तो आप रिस्क प्रोफाइलिंग में भी आप कोई कई आप नियर बाई जो केवी किसान व्यवसाय केंद्र केवीके में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट दे के आप उसका रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं न्यूट्रिएंट के बजाय, तो डिसीज रिस्क को भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसमें फॉर्मेड मेन्यूर ऐड करना बहुत जरूरी है। गोबर 30 to 35 मेट्रिक टन का गोबर फॉर्मेड मेन्यूर आवश्यकता है, वेल डिकम्पोज्ड फॉर्मेड मेन्यूर आवश्यकता है इसमें कैप्सिकम ग्रो करने के लिए। जो है हमने जो रेक्सवन 10 साल के पहले तो कई ग्रोअर 18,000-20,000 तक लगा रहा था प्लांट्स, तो हम जो आके उनको सही सलामत वो दिखाए ये वो प्लांटेड प्लांट डेंसिटी के लिए डेंसिटी के हिसाब से हम बता दिया, तो उनका कई किसान भाई का दिमाग में ऐसा है मैं ज्यादा पौधा लगाए तो मेरे को ज्यादा प्रोडक्शन निकलेगा, और इससे वो सही नहीं है। तो अगर ज्यादा प्लांट्स लगाने से तो उनको क्या होगा, लो प्रोडक्शन होगा और कॉस्ट भी बढ़ेगा, और तो वो जो है वो प्लांट्स के बीच में काम करना भी मुश्किल होगा और वो तो पतला हो जाएगा, तो धीरे धीरे कंपटीशन भी ज्यादा होगा। इसीलिए तो जो है डेंसिटी जो है 3 से लेकर 3.5 प्लांट पर स्क्वायर मीटर होना चाहिए, इसीलिए इस प्रकार से 12,500 से लेकर 13,500 तक हम 1 एकड़ में शिमला मिर्च को लगा सकते हैं। ये जो आप जो है तो डबल रो में प्लांटिंग कर रहे हैं, तो स्पेसिंग जो है 0.75 मीटर, तो 2.5 फीट जो फीट में बताया तो 2.5 फीट होना चाहिए। तो आप नीचे दो तस्वीरें में मैंने आरो मार्क दिखाया गया है, तो वॉकिंग स्पेस मैं विनंती करता हूँ आप किसान भाई से कहीं भी प्रकार में ये वॉकिंग स्पेस का कम मत कर दीजिए, क्योंकि यही वॉकिंग स्पेस हमको
बहुत ये काम आ जाएगा बेटर एरिएशन के लिए, बेटर वेंटिलेशन के लिए, और इसमें ही हम प्लांट को ट्रेन करने में, प्रून करने में और स्प्रे करने में, हार्वेस्ट करने में, तो ये वॉकिंग स्पेस बहुत है जाएगा। इसीलिए आपका कॉलम ये स्पैन विड्थ 8 मीटर है, इसमें 5 बेड होना चाहिए और 5 वॉकिंग स्पेस होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप 2.5 फुट वॉकिंग स्पेस होने से वजह से तो हमको ये बढ़िया रिजल्ट रहेगा, बेटर एरिएशन होगा। तो हम इसमें प्लांट को या ट्वाइन करना है, रस्सी रस्सी में बांधना है और या प्रूनिंग करना है, अनप्रोडक्टिव ब्रांचेस को निकालना है, हम स्प्रे करना है और हार्वेस्ट करना है, जो भी जो करेगा यही वॉकिंग स्पेस में हम करेंगे। इसलिए मैं विनंती करता हूँ आप सभी किसान भाइयों से, तो कहीं भी सिचुएशन में इसको कम मत कर दीजिए। ये आजकल तो बेंगलुरु या सराउंडिंग ग्रोअर जो है ये कलर शिमला मिर्च के अलावा तो ग्रीन हरा मिर्च तोड़ना चाहते हैं, वो ग्रोअर जो है वो सिंगल रो इस्तेमाल करेगा। ये रो टू रो होगा, 1 मीटर 3.3 फुट तक होगा और प्लांट टू प्लांट जो होगा 40 सेंटीमीटर में एक प्लांट होगा। इस प्रकार में तो वो 8,000 से लेकर 9,000 पौधे तक वो प्लांट कर रहे, और कम किया प्लांट पॉपुलेशन को और कम किया, क्योंकि ये हरा मिर्च में क्वालिटी का इश्यू नहीं है, तो बड़ा भी सेल कर सकते हैं और छोटा भी सेल कर सकते हैं। ये कैप्सिकम अगर कलर कैप्सिकम के लिए तो क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम लाइट से भी बचा के रखना है उसको, और सही अच्छा क्वालिटी भी आना चाहिए तो कलर के लिए। तो ये ग्रीन हार्वेस्ट में थोड़ा अगर क्वालिटी ये बी क्वालिटी या सी क्वालिटी को हम छोटा आ गया तो फ्रूट भी हम सेल कर सकते हैं, लेकिन जो कलर में जो है 140 ग्राम अंडे वो होना चाहिए। तो इसीलिए तो कलर में हम डबल रो लगाना है, लाइट से ज्यादा धूप से बचा के रखना है, उनका शेप भी बढ़िया होना चाहिए और उसका वेट भी 140 है वो होना चाहिए। ये प्रूनिंग अगर कलर कैप्सिकम के लिए हम बात किया जाए तो ये प्रूनिंग होना जरूरी है। तो मैंने आपको बता रहा था 3 से लेकर 3.5 प्लांट 1 स्क्वायर मीटर के रहना चाहिए, और इस हिसाब से तो जो है स्टेम्स जो है वो 7 to 8 स्टेम्स पर स्क्वायर मीटर होना बहुत जरूरी है। तो ये स्टेम मेंटेन करने के लिए हम प्रूनिंग करते हैं, तो वो प्लांट को बैलेंस करने के लिए प्रूनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कलर कैप्सिकम के लिए, क्योंकि हमको कंटिन्यूस आना चाहिए प्रोडक्शन और बैलेंस्ड प्रोडक्शन आना चाहिए। तो वो सही सलामत से प्रून किया गया प्लांट वो कंटिन्यूस प्रोडक्शन देगा और बैलेंस्ड प्रोडक्शन देगा। ये जो है क्या टाइम होगा ये प्रूनिंग करने के लिए, सही समय क्या है? तो अगर मान लो हम 35 डेज का प्लांट सीडलिंग लेके प्लांटिंग किया है तो 20 और 25 दिन में तो वो साइड शूट निकलेगा, वो 20 से लेकर 25 दिन के अंदर प्लांटिंग होने के बाद 20 से लेकर 25 दिन के अंतर में 5 दिन के अंतर में तो हम जो एक्स्ट्रा शूट जो है वो निकालना है, तो और 2 या 3 ही शूट हम ये प्लांट में अलो करना चाहिए। तो वो 5 दिन में जो है 22-25 डेज है वो 5 दिन के अंदर अंदर हम वो प्रूनिंग ऑपरेशन को करना है। तो अगर हम डिले कर किया तो 20 से 25 दिन करने से बाद अलावा तो हम 30 दिन या 40 दिन में गया तो वो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि बहुत स्टेम्स ग्रो होगा तो वो वेस्टेज ज्यादा है, क्योंकि हम फर्टिलाइजर वो खाद भी खाया होगा। इसीलिए तो हम आप जो प्लांट कलर के लिए आप माइंड में फिक्स है तो आप 20 से लेकर 25 दिन में 5 दिन में जो है 20 से 25 दिन के अंतर में तो आप प्रून करना, 5 दिन में वो प्रूनिंग ऑपरेशन को कंप्लीट करना। ये जो है मैंने आप दिखा रहा हूँ 2 स्टेम्स, ये आरो मार्क दिखाया है लेफ्ट हैंड साइड में, वो 2 स्टेम्स हमने 2 स्टेम उसको ये किया है, इनमें से आप ए वी शेप जैसा जो गया है वो वी शेप का, और दो अपोजिट डायरेक्शन में जो जा रहा है वो वी शेप जैसा हम उसको सेलेक्ट करके दोनों दो शूट को हम सेलेक्ट करना है। तो आप ये नीचे तस्वीर में देख रहे हैं ये कंटिन्यूस एंड बैलेंस्ड है, वो ट्वाइन भी आप देख रहे हैं ऊपर तीसरा अपर साइड में तीसरा स्लाइड जो है ऐसा जा रहा है, ऐसा आप रस्सी भी ऐसा डायरेक्शन में जाना बांधना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा इस डायरेक्शन में हो गया तो वो दोनों स्टेम हो गए एक जुड़ेगा, इसीलिए तो अपोजिट डायरेक्शन में जाना वो बहुत जरूरी है, वो लाइट के लिए कॉम्पीट नहीं करेगा।
तो अच्छी अच्छा फसल भी निकलेगा। ये है वो 25 दिन का लेफ्ट हैंड साइड में आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, तो वो इस समय पर हम 25 दिन के अंदर अंदर हम इसको प्रूनिंग को करना है। कई प्रकार का ग्रोयर प्रूनिंग करने के टाइम पर वो 10 प्लांट को प्रूनिंग किया, 11 प्लांट को प्रूनिंग करने के बाद तो वो उसमें जो छोटा सा ये मिल्क है, स्किम्ड मिल्क पाउडर में 100 ग्राम स्किम मिल्क पाउडर में 1 लीटर का पानी मिला के, तो हर 10 पौधे आप प्रूनिंग करने के बाद आपको अपना हाथ को उसमें सही सलामत धोए, तो वो धोने से तो जो भी या मान लो आप 9वां और 10वां प्लांट ये वायरल प्लांट है, तो वो वायरस को ये स्किम्ड मिल्क पाउडर वो वायरस स्प्रेड करने के लिए रोकने के लिए मदद करेगा। इसलिए तो हम हैंड्स को सैनिटाइज करना बहुत बहुत जरूरी है। ये जो है क्यों हम आइडियल प्रूनिंग क्यों करना है, अगर हमको बैलेंस्ड एंड कंटिन्यूस प्रोडक्शन आना चाहिए तो हम प्रूनिंग करना बहुत जरूरी है। जो आप ये देख रहे हैं कंटिन्यूस एंड बैलेंस्ड प्रोडक्शन होने की वजह से तो इसको प्रून करना बहुत जरूरी है। अगर आप कलर के लिए है तो क्वालिटी यील्ड के हिसाब यील्ड भी आना चाहिए, क्वालिटी भी होना चाहिए, इसके लिए तो हम प्रूनिंग करना बहुत जरूरी है। अगर ग्रीन हरा मिर्च तोड़ने के लिए तो क्वालिटी इम्पोर्टेंट पैरामीटर नहीं है, यील्ड इम्पोर्टेंट पैरामीटर है हरा शिमला मिर्च में, और रंग रंगीन मिर्च में तो क्वालिटी नंबर 1 पैरामीटर है। ये जो है अगर आप हम प्रूनिंग नहीं किया तो लोड ज़्यादा लोड होगा, तो लोड होने से वजह से बाद में हम वो सेटिंग नहीं होगा, फ्लावर ड्रॉप अबॉर्ट होगा, क्योंकि वो शिमला मिर्च जो है एक समय पर फर्स्ट फ्लशेस में आ जाएगा, तो 7 से लेकर 8 फ्रूट को उतना वो सपोर्ट कर सके। अगर बाद में जो 8 फ्रूट सेट हो गया तो बाद में जो फ्लावर है उनको एनर्जी नहीं मिलेगा, तो बाद में वो फ्लावर ड्रॉप हो जाएगा। इसीलिए तो अगर 1 इंटरनोड या 1 इंटरनोड में एवरी इंटरनोड अल्टरनेट इंटरनोड में एक रखना बहुत जरूरी है। अगर ज्यादा लोड हो गया, 8 से ज्यादा सेट हो गया, मान लो 9-10 सेटिंग हो गया बेस में, तो नेक्स्ट फ्लावर अबाट अपना खुद अबाट हो जाएगा। ये जो किसान जो है कलर शिमला रंग रंगीन मिर्च में ज्यादा लीफ प्रूनिंग करते हैं, तो लीफ मैं आपको सभी किसान भाइयों से विनती करते हैं, अगर लीफ रिमूवल करना जो जरूरत नहीं है पॉलीहाउस में, अगर आप जो लीफ में जो फंगल डिसीज है वो ड्राई हो रहा है, येलोइंग हो गया, तो आप लीफ रिमूव कर सकते हैं, लेकिन 1 वीक में 2 या 3 अन वीक को रिमूव करना जरूरी है। वो अगर लीफ ग्रीन है तो रिमूव करना जरूरत नहीं है। तो अगर ज्यादा लीफ रिमूवल किया गया तो उसमें हम फ्रूट छोटा निकलेगा, क्योंकि ये लीफ एरिया जो है वही इम्पोर्टेंट फैक्टर है फ्रूट साइज और क्वालिटी में। अगर वो अगर एक्सेस लीफ प्रून किया आप तो क्वालिटी फ्रूट साइज ड्रॉप हो जाएगा, तो यील्ड भी ड्रॉप हो जाएगा। एक प्लांट कई बार ठंड होने से अगर मान लो या ठंड में नवंबर या दिसंबर में रात का तापमान जो है या 12 या 14 डिग्री 14 से बिलो 14 डिग्रीज होने से वजह से तो वो पोलन ये होगा, तो आप ये इस तस्वीर में देख रहे हो कोल्ड स्ट्रेस के वजह से ठीक ढंग से पोलिनेशन नहीं होगा, इसके लिए तो वो कोल्ड स्ट्रेस में पूर पोलिनेशन की वजह से क्वालिटी नहीं निकलेगा। तो ये जो है आप प्रीमेच्योर राइपनिंग भी होगा, तो कभी वो गर्मी में तो अगर का पॉलीहाउस में तापमान जो है 40 डिग्रीज के ऊपर हो गया तो और ये स्ट्रेस बिल्डअप होगा, उस समय पर ज्यादा फर्टिलाइजर दिया गया तो ये तापमान भी ज्यादा है 40 डिग्रीज के आसपास है, इसमें हम ज्यादा फर्टिलाइजर भी दे रहे हैं, वो स्ट्रेस पर आ जाएगा तो वो प्रीमेच्योर राइपनिंग होगा। ये जो है पॉलीहाउसेस में साइड कर्टन दिया गया होगा, तो ये साइड कर्टन जब हम रात का तापमान 16 डिग्री के नीचे जब जाता है तब हम उसको क्लोज करना है। क्लोज करके सारे 4 साइड्स को हम क्लोज करके तो सुबह 8 बजे में हम उसको खोलना है, क्योंकि
हम क्लोज करके तो नाइट में उसको टेम्परेचर बचा के रखना है, तो अगर 16 डिग्रीज के बिलो हो गया तो वो क्रॉप पर कोल्ड स्ट्रेस हो जाएगा और पोलन वेट होना जैसे, फ्लावर में पोलन वेट होना जैसे वजह से टीक ढंग से पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्वालिटी इतना बढ़िया नहीं रहेगा। इसलिए तो ये जो है नवंबर दिसंबर जनवरी में इनका साइड कर्टन जो है वो क्लोज करके सुबह हम उसको खोलना है। ये जो है कई प्रकार में, तो अगर जून जुलाई में लाइट इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ेगा, शीट टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, लगभग शीट टेम्परेचर 50 डिग्रीज तक होगा, तब रूफ में स्प्रिंकलर लगा के हम शीट टेम्परेचर को भी डाउन कर सकते हैं। और 40 माइक्रोन मेश साइड में होने से वजह से हमको इंसेक्ट से बचा के रख सकता है, स्पेशली सकिंग पेस्ट से। और अंदर जो है सेकेंड लेयर जो है 32-35% व्हाइट शीट होने से, अगर जून जुलाई में जो हमारा लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगा उस समय पर, वो सेकेंड लेयर जो है हमको मदद करेगा एक्स्ट्रा लाइट जो रीच हो रहा है पॉलियोस में उसको रिड्यूस करने में, हमको व्हाइट शेड नेट इनसाइड 35% व्हाइट शेड नेट मदद करेगा। ये हाई प्रेशर कई प्रकार में जून जुलाई या जून जुलाई में, तो ड्राई क्लाइमेट ड्राई होने से वजह से अगर ह्यूमिडिटी लेस देन 40% हो गया तो हम हाई डेंसिटी फॉगर्स को भी हम पॉलियोस में इस्तेमाल कर सकते हैं। कई प्रकार का ग्रोअर बेंगलुरु का सराउंडिंग जनवरी फेब्रुवरी में भी वो लगाना चाहते हैं क्रॉप, और मार्च अप्रैल में वो ड्राई वेदर होने से, तो ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से तो क्रॉप स्ट्रेस पर आ जाएगा, हीट स्ट्रेस पर आ जाएगा, तब वो फॉगर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो फॉगर्स का वो पानी का ड्रॉपलेट साइज जो है वो लेस देन 5 माइक्रॉन होना चाहिए, हाई डेंसिटी फॉगिंग होना चाहिए। तो अगर मार्केट में आजकल जो मिल रहे वो उसका तो 130-140 माइक्रॉन पार्टिकल है, तो वो अगर ज्यादा समय ऑपरेट करने से वो तो पानी का ड्रॉपलेट लीफ में डिपॉजिट होगा तो उसमें तो फंगस आ जाएगा। इसीलिए तो राइट फॉगर, राइट पार्टिकल साइज, हाई डेंसिटी फॉगर चूज करना बहुत जरूरी है। इसमें कई प्रकार का ग्रोयर ड्राई क्लाइमेट में, ड्राई मौसम में और हाई टेम्परेचर लो ह्यूमिडिटी ड्राई में तो फॉगर भी इस्तेमाल करेगा और एयर सर्कुलेटिंग फैंस भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसमें ग्रीन हाउस में तो यूनिफॉर्म टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए फॉगर मदद आएगा, लेकिन वो एंटायर पॉली हाउस में जो है तो यूनिफॉर्म ही रखने के लिए वहां से एयर सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है। उस समय कई ग्रोअर्स एयर सर्कुलेटिंग फैंस को भी पॉलियोस के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं नेदरलैंड का है, ये सब नेदरलैंड में ग्लास हाउसेस है, वो हीट करता है क्योंकि वो नेदरलैंड जैसा कंट्री में वेस्टर्न यूरोप में लाइट का दिक्कत है, तो जो भी वो ग्रो कर रहे आर्टिफिशियल लाइट में ही ग्रो कर रहे, तो इसके लिए तो ग्लास को हीट करेगा। तो ये हमारा जैसा ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में तो हमको बहुत सूर्य प्रकाश बहुत मिलेगा, तो हमको लिए हीट करना क्योंकि ज्यादा ये नहीं है, तो हमें सोचना है हमारा पॉली उसको कैसे ठंड मॉडिफाई क्लाइमेट कैसे मॉडिफाई करे, तो इसके 18 से लेकर 28 डिग्रीज का बीच में कैसे टेम्परेचर मॉडिफाई करना, तो हम ये इस चीज पे हम सोचना है। ये जो है मैंने बता रहा था कैप्सिकम के लिए 18 से लेकर 28 डिग्रीज का तापमान चाहिए, उनका ह्यूमिडिटी 50-60% का ह्यूमिडिटी होना जो बहुत जरूरी है। तो अगर पाउडरी मिल्ड्यू भी आएगा तो क्लाउडी होने से वजह से, तो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू भी बहुत इम्पोर्टेंट फंगल डिजीज है। अगर वार्म है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो उस समय पाउडरी मिल्ड्यू भी आएगा। तो पैटापतरा मैंने बता रहा था पहले भी, नर्सरी में भी आ सकता है पैटापतरा, अगर ज्यादा मॉइस्चर होने की वजह से, कोकोपीट कंटामिनेशन होने से और पानी भी कंटामिनेशन होने से, तो हाई ह्यूमिडिटी से। इसीलिए तो आपका ब्लैक कॉटन सॉइल है, आपका डबल लैटरल लगा के रखा है और आपस में मल्चिंग शीट भी रखाया है, तो आपको ध्यान नहीं, आपको ये यकीन नहीं आएगा तो कितना मॉइस्चर मेरे मिट्टी में है। इसके लिए तो अगर ज्यादा पानी देने से वजह से नेटोसिस में जो है, तो पैटापतरा बहुत बढ़िया, पैटापतरा कैप्सिस बहुत खतरनाक सॉइल बोर्न डिसीज है,
फंगल डिजीज है, इसके लिए वाटर मैनेजमेंट इज अ की इन कॉम्बैटिंग दिस डिजीज। वाटर में सही से सही सलामत से पानी देना है, सही प्रकार के आइडियली छोटे छोटे इंटरवल से सो पानी देना है। मॉइस्चर होना चाहिए, ज्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और कम मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए। अगर आप मल्चिंग शीट लगा के रखा है, डबल लेटरल रखा के रखा है तो वाटर मैनेजमेंट बहुत संभाल के करना है, बहुत इस पे आप ध्यान देना बहुत जरूरी है फट अप तरह रोकने के लिए, तो ये बहुत डेडली डिसीज है। एंथ्रेक्नोस भी आएगा तो हाई ह्यूमिडिटी होने से, क्लाउडी होने से ये एंथ्रेक्नोस के भी हम अभी आज कल डेट में तो एंथ्रेक्नोसिस के इश्यूज भी बढ़ रहे कलर शिमला मिर्च में। नेमेटोड इन्फेक्शन भी है, तो क्योंकि नेमेटोड कई नॉट ओनली कैप्सिकम, नेमेटोड हर क्रॉप को इन्फेक्ट करेगा, इसके लिए आपको क्रॉप रोटेट करना पड़ेगा, मिट्टी को थोड़ा गैप देना पड़ेगा, तो बायो कंट्रोल एजेंट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अन्य प्रकार का इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट से आप काम करना बहुत जरूरी है, इसको नेमेटोड काउंट को कंट्रोल में रख सकते। ये जो है बैक्टीरियल विल्ट का भी दिक्कत है, जो एरिया जो हाई ह्यूमिडिटी एरियाज है, हाई रेनफॉल एरियाज है, हाई ह्यूमिडिटी हाई टेम्परेचर एरियाज जो है, वो एरियाज में बैक्टीरियल विल्ट राल्स्टोनिया सोलानेशियम जो है, तो उसका भी ज्यादा इंसिडेंट है। इसके लिए आप इसीलिए मैंने बताया, तो आपका सॉइल अगर एनालिसिस दे रहे हो, नॉट ओनली न्यूट्रिशन एनालिसिस, डिसीज रिस्क एनालिसिस को भी आप कर सकते हैं सॉइल क्रॉप स्टार्ट आरंभ में आप इसको कर सकते हैं। बैक्टीरियल विल्ट कोई बैक्टीरियल विल्ट रेसिस्टेंस नहीं है इसमें शिमला मिर्च में, इसीलिए आप अगर आप कोस्टल एरिया में या हाई ह्यूमिडिटी एरिया में, हाई रेनफॉल एरिया में इसको प्लान कर रहे हो तो आप ध्यान में रखना, बैक्टीरियल विल्ट भी आपको एक ये होगा। ये एग्रो बैक्टीरियम है साइल बोर्न बैक्टीरिया, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियस कहते, तो गल फॉर्मिंग बैक्टीरिया, ये भी क्रॉप को इन्फेक्ट करेगा, क्योंकि हम ये इससे भी इसमें रखना है ध्यान में। तो बैक्टीरियल प्लस स्कॉर्चिंग भी होगा, जब हम कई प्रकार का कीटनाशक स्प्रे करते हैं उसमें, तो एक कीटनाशक में एक ग्रोथ प्रमोटर और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट ये सभी मिला के स्प्रे करने से स्कॉर्चिंग हो जाता है, उस समय पर सेकेंडरी इन्फेक्शन बैक्टीरिया होगा। ये थ्रिप्स जो है बहुत बेहतर सकिंग पेस्ट है, तो ये ओनली जो है अपर लीव्स को यंग सकुलेंट इसको डैमेज करेगा, ये फ्लावर में फूल में भी जाके बैठ के, तो शिमला मिर्च का और चिल्ली का फूल में जाके वो तो सक करेगा, तो अगर डेवलप बाद में वो फ्रूट जैसा जैसा बढ़ेगा वो सूचर्स जैसा दिखेगा, तो थ्रिप्स मैनेजमेंट पॉलीहाउस में या ओपन फील्ड में नेट हाउस में बहुत केयरफुली करना है। अगर एक बार हम थ्रिप्स ज्यादा आ गया तो पॉपुलेशन बढ़ गया, तो इसके लिए कई केमिकल को केमिकल शुड बी द लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, तो मैं बताता हूँ वो बाद में। तो थ्रिप्स से आप देखते रहना, तो आपका इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें बहुत है, ये हर दिन आप एटलीस्ट हॉट स्पॉट्स में जाके कहाँ का अगर कहाँ किधर भी एक दो तीन प्लांट्स में वो आरंभ में दिखेगा, इसीलिए तो आप स्काउट करते रहना स्पॉट। ये जो थ्रिप्स है वो टोमेटो स्पॉटेड विल्ट और पेपर में कैप्सिकम में भी स्पॉटेड विल्ट का जो स्पॉट टॉस्पो कहते हैं हम, वो इसको ये डिसीजेस को थ्रिप्स ट्रांसमिट करेगा, इसीलिए ये क्रॉप को भी नुकसान करेगा, क्वालिटी को भी खराब करेगा बाद में, तो वो डिसीज को भी ट्रांसमिट करेगा, स्पॉटेड विल्ट डिसीजेस को भी ट्रांसमिट करेगा, तो इसीलिए तो क्रॉप को हमेशा थ्रिप्स से भी बचा के रहना बहुत जरूरी है। ये व्हाइट फ्लाई मैंने बोला पहले ही बताया, तो व्हाइट फ्लाई जो है, तो आपने नीचे तस्वीर में देख रहे ये अमरंता से अल्टरनेट वीड है, उसमें वो हर्ब का ये होगा, तो मेन फील्ड में हम लगाया तो वो आके सक करके ट्रांसमिट करेगा। व्हाइट फ्लाइज जो है लीफ कर्ल वायरस ट्रांसमिट करेगा, थ्रिप्स जो है तो स्पॉटेड विल ट्रांसमिट करेगा, इसीलिए उनको दोनों को कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बेगोनिया माइट है, तो डाउनवर्ड कर्लिंग हो जाएगा, तो व्हाइट माइट कई में किसी ग्रोअर को फर्स्ट टाइम कैप्सिकम ग्रो कर रहे हो तो आपको ये थ्रिप्स का ये लगेगा, लेकिन ये है
वो लीफ जो है वो डाउनवर्ड कर्लिंग होगा, माइट जो इन्फेक्ट होगा तो डाउनवर्ड कर्लिंग होगा, एपिटियोल एलांगेट होगा, लेकिन थ्रिप्स जो है अपवर्ड कर्लिंग, ऐसा अपवर्ड कर्लिंग होगा। इसीलिए तो आप राइट डायग्नोसिस होना चाहिए माइट के लिए, माइट जो है डाउनवर्ड कर्लिंग होगा तो पीटीओ एलांगेट होगा, तो इससे भी बचा के रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर वो एक बार आ गया तो प्लांट रिकवरी होने में, यंग शूट्स रिकवरी, न्यू यंग शूट्स रिकवरी होने में बहुत टाइम लेगा। रेड स्पाइडर माइट है जो लीफ का पीछे रहेगा, ये रेड स्पाइडर माइट, तो इसके लिए बहुत केयरफुली होना, स्काउट करना है। एपिड्स जो है तो एपिड्स भी हम मोजाइक वायरस जो है वो तो मोजाइक, सारा मोजाइक वायरस उसको एपिड्स ट्रांसमिट करेगा, तो आरंभ में आ जाएगा, तो इसके लिए तो हम एपिड्स के लिए भी, तो एपिड्स से भी क्रॉप बचा के रखना। ये जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो पॉलीहाउस में जो है, पॉलीहाउस या नेटहाउस हो, ऑलवेज डबल डोर होना चाहिए, एंटी जो कहते हैं तो एक डायरेक्शन में नहीं है, एंटी डायरेक्शन में, एक ऐसे, तो एंटी डायरेक्शन में डबल डोर जो होने से वजह से तो पेस्ट इजीली अंदर नहीं घुसेगा। तो और जो है फूड डिसइंफेक्टेंट वो भी होना चाहिए। तो अगर अगर मान लो आप कहाँ से आ रहे हैं तो आप हमारा शूज या पैर को उससे सही सलामत से वो डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है बिफोर एंटरिंग द ग्रीन हाउस। अगर जितना भी होता है आप इसके स्टिकी ट्रैप्स को यूज करिए, या ब्लू ट्रिप्स के लिए अट्रैक्ट होगा, येलो जो है वाइट फ्लाइज, ट्रिप्स, एफिड, सबको जासिड्स, सबको अट्रैक्ट करेगा। जितना हो सकता है उतना आप स्टिकी ट्रैप्स को इस्तेमाल करिए पॉलीहाउस में या नेट हाउस में, और ओपन फील्ड में भी कर सकते हैं आप। ये जो है, ये स्टिकी ट्रैप जो है पेस्ट पॉपुलेशन के लिए मॉनिटर करने के लिए जो मदद आएगा, तो ये कंट्रोल भी करेगा, तो और उसमें हम स्काउटिंग कर सकते हैं, इस वीक में मेरा पेस्ट पॉपुलेशन बढ़ गया या कम हो गया, तो वही है, तो एक बॉक्स जो है, वो बॉक्सेस जो है वीकली हम वो बॉक्सेस में काउंट करने से वजह से तो हम वो पेस्ट को मॉनिटर कर सकते हैं, कौन सा पेस्ट ज्यादा आ रहे है, कौन सा पेस्ट कम हो रहे है, तो इसको हम इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ये देखिए, तो ये जो है कौन सा पेस्ट है हमारा पॉली, उसमें डिटेक्ट करने में भी हमको मदद आएगा ये स्टिकी ट्रैप्स। ये जो है आपके बायो कंट्रोल एजेंट्स भी है सारा, तो कई प्रकार का बायो कंट्रोल एजेंट्स भी आज का डेट में मार्केट में कोपर जैसा एक कंपनी, नेदरलैंड जैसा कंपनी है, वो कंपनी भी बायो कंट्रोल एजेंट्स को इंपोर्ट करके किसान भाई को सप्लाई कर रहे हैं, तो आप बायो कंट्रोल एजेंट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है केमिकल जो है वो लास्ट होना चाहिए, ठीक है, केमिकल शुड बी द लास्ट चॉइस, इट शुड नॉट बी द फर्स्ट चॉइस। अगर हम सिचुएशन में जो है एग्जैक्टली अपोजिट है, जो भी हम कीड़ा दिखा जाएगा फर्स्ट हम सोचते चलो दवाई मारेंगे, तो कोई कीटनाशक लेके हम मारते हैं, तो इसके लिए केमिकल शुड बी द लास्ट चॉइस। सारा कल्चरल प्रैक्टिसेस इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में तो कल्चरल प्रैक्टिसेस होना चाहिए, अल्टरनेटिव होस्ट से बचा के रखना है, बायोलॉजिकल कंट्रोल भी होना चाहिए और क्लीन एंड हाइजीन होना चाहिए। अगर इसमें तो नहीं हो गया तो लास्ट हमाना है केमिकल, केमिकल शुड बी द लास्ट चॉइस। सो उसमें जो है राइट इंसेक्टिसाइड, राइट पेस्टिसाइड चूज करना भी बहुत जरूरी है। मान लो मैंने देखा माइट्स का तस्वीरें दिखाया गया, तो कई प्रकार का ग्रोयर डायग्नोस करते हो थ्रिप्स करके, अगर थ्रिप्स का जो केमिकल्स है वो माइट में काम नहीं आएगा, इसीलिए राइट डायग्नोसिस करना क्या जरूरी है, और राइट केमिकल को इस्तेमाल करना जरूरी है, और राइट स्प्रेइंग टेक्निक करना भी बहुत जरूरी है। ये जो है ये स्प्रे कर रहे हैं आप, ये तस्वीर में देख रहे हैं, पता नहीं कितना डिपॉजिट होगा, तो 90% उसमें तो केमिकल लॉस हो रहा है, तो केमिकल लॉस ऑन केमिकल एक नहीं है, तो एनवायरमेंट को भी नुकसान कर रहे है, तो आपस में आप उनको भी खुद का हेल्थ भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि तो इन्होंने कोई प्रोटेक्टिव ग्लव्स कुछ नहीं वेयर किया। तो जो है ये स्प्रेइंग के टाइम समय पर आप फुल्ली प्रोटेक्टेड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो है, मास्क हो, ये हो, वो लगा के हैंड ग्लव्स हो, वो पूरा इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का डेट में विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल तो इंसेक्टिसाइड
का कंटेंट बॉडी में जाएगा और फसल में भी ये होगा। सीरियस हेल्थ इश्यूज हो रहा है ज्यादा केमिकल स्प्रेने से वजह से, इसके लिए तो पॉली हाउस का अंदर जो आप ये कर रहे हैं ओपन फील्ड में हो, मैं सभी में विनंती करना चाहता हूँ, तो आप सभी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को लगा के आप केमिकल को स्प्रे करिए, इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करिए। अगर करना है केमिकल शुड बी द लास्ट ऑप्शन, अगर हमको क्रॉप को बचाना है तो इसके लिए, तो आप सभी किसान भाइयों मेरा विनंती ये है पर्सनल प्रोटेक्टिव पीपीई किट्स लगा के आप स्प्रे करिए, सेफ रहिए एंड हेल्थी रहिए। ये सॉइल सोलराइजेशन भी आजकल लोग कर रहे हैं, तो अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखे जाए तो उनका जून जुलाई में ज्यादा टेम्परेचर रहता है, सो उस समय पर वो क्या होगा तो ज्यादा सॉइल का टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास लेके जाएगा, तो तब ये सॉइल टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से उसमें जो नेमाटोड है, बैक्टीरिया है, फंग है, वो डेथ होगा। तो नॉर्थ इंडिया में एक ही सीजन होता है, तो जून जुलाई में तो सभी किसान भाई मेजॉरिटी लोग जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर रहे हैं वो सॉइल सोलराइजेशन करेगा। तो सैलिनिटी, अगर आपका सलाइन सॉइल है तो मैं आपको ये करना चाहता हूँ, तो बेटर केयरफुल रहिए। अगर सलाइन सॉइल है, वाटर लॉगिंग सॉइल है, वाटर लॉगिंग कंडीशन है, तो उससे उससे आप आरंभ से तो केयर लेना बहुत जरूरी है। तो जितना भी हो सके उतना रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सके, आपका वाटर में पानी का बोर का पानी हो या ये किनाल का पानी हो, तो उसमें से सोडियम या क्लोराइड ज्यादा हो, उस समय पर हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करके इसको, रेन वाटर और बोर वाटर को दोनों मिला के इसी को कम कर सकते हैं, सोडियम और क्लोराइड को डाइल्यूट कर सकते हैं, तो लेस देन 0.5 मिलीसीमन कम वी कैन ब्रिंग इट डाउन टू 0.5 मिलीसीमन। इसीलिए जितना वो रेन वाटर हार्वेस्ट करने के लिए ये है तो वो कर दीजिए आप। मेरा वो ये विनंती है आप सभी से, द मोर एंड मोर रेन वाटर हार्वेस्ट करिए आप, वो रेन वाटर का पानी बहुत क्वालिटी होगा, तो ये बेटर है, बेटर होगा क्रॉप के लिए। जो पीएच है 5-6 होना है सॉइललेस में, तो सॉइल में भी 6-7 होना है, क्योंकि इसी स्टेज पे ये राइट 6-7 पीएच से सभी 12 एलिमेंट जो सॉइल से मिलता है, मिट्टी से जो 12 एलिमेंट प्लांट को मिलता है, तो वो डिजॉल्व होगा प्रॉपरली, प्लांट अपटेक होगा। इसके लिए पीएच, करेक्ट पीएच 6-7 इन सॉइल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये जो ब्लॉसम एंड रॉट भी आएगा, कैल्शियम डिफिशियंसी और हाई ह्यूमिडिटी में लो मॉइस्चर कंटेंट, सॉइल मॉइस्चर होने से तो ब्लॉसम एंड रॉट आएगा, ये कैल्शियम डिफिशियंसी है, इसीलिए आप कैल्शियम को बढ़ाना चाहिए और सॉइल में सही प्रकार का मॉइस्चर हाई नहीं है, आपको चेक करके रहना है। तो ये जो है फिजियोलॉजिकल डिसीज, स्टार क्रैकिंग हो या ये क्रैक्स हो और स्प्लिट हो, ये फिजियोलॉजिकल है। अगर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वेरी हो गया, मॉइस्चर वेरी हो गया, ये सारा आपको दिखाएगा। ये सन स्कॉल्ड है, ज्यादा सन, ज्यादा धूप होने से वजह से, ज्यादा अधिक तीक्ष्ण प्रकार का सनलाइट होने से वजह से ये सन स्कॉल्ड होगा। तो एक्स्ट्रा ईयर भी आएगा, ज्यादा दिन और रात का तापमान में बहुत अंतर हो गया, ज्यादा डे एंड नाइट टेम्परेचर में ज्यादा अंतर है, अब तब ये लो नाइट्स है, तो एक्स्ट्रा ईयर भी निकलेगा। फ्रूट्स में स्पॉट भी आएगा, एक कीटनाशक, एक ग्रोथ प्रमोटर और एक ये तीन चार मिला के हाई टेम्परेचर में स्प्रे करने के टाइम पे तो ये स्पॉट्स भी आ जाएगा। तो पोटाशियम डिफिशियंसी भी दिखेगा, कभी कभी मार्जिन्स भी ये होगा, मार्जिनल क्लोरालिसिस कहते हैं हम, तो ये पोटाशियम डिफिशियंसी है। तो इंट्रा मार्जिनल क्लोरालिसिस, इंटरवेनल क्लोरालिसिस बोलते हैं, मैग्नीशियम में है। अगर आयरन डिफिशियंसी जो है यंग लीफ में दिखेगा, तो सारा यंग लीफ येलो हो जाएगा। तो ये बोरन डिफिशियंसी जो है, तो इसमें तो ग्रोइंग बड, अपिकल बड डिस्टार्ट होगा। अगर हम सॉइल में कुछ प्रॉब्लम है, इसमें नेमेटोड है और बैक्टीरियल विल्ट का प्रॉब्लम है, मेरा सॉइल, मेरा मिट्टी ब्लैक सॉइल है, मैं कैप्सिकम ग्रो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा मार्केट है, तो मैं शहर का नज़दीक हूँ, तो मैं कैसे करो करके अगर आप सोच रहे, तो आप सॉइललेस में भी कर सकते हैं। तो ये जो है
बिना मिट्टी का कृषि आप ज्यादा हो रहा है, कहीं भी सॉइल में प्रॉब्लम है, नेमेटोड का हो या सॉइल ब्लैक डीप कॉटन सॉइल है और सॉइल सोलेन सॉइल है, इससे आप बेटर मार्केट है, आपके पास मार्केट है, आप मार्केट कर सकते हैं। सॉइललेस में भी आप कलर कैप्सिकम को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसको 12x13 ग्रो बैग होना चाहिए, तो कोकोपीट होना चाहिए और इसको एरो ड्रिपर्स होना चाहिए और हाई ऑटोमेशन होना चाहिए। अगर आपका पानी भी अच्छा है, अगर आप रेन वाटर भी हार्वेस्ट कर सकते हैं, आप गुड क्वालिटी वाटर इज देयर एंड सॉइललेस में भी आप कलर कैप्सिकम को ग्रो कर सकते हैं। ये नट हाउस में भी हमारा पास राइक्सवान का पास हॉट पेपर चिल्लीज है, तो हबीब और निमा फायर करके दो हॉट पेपर्स नट हाउस में भी राइक्सवान ये कर रहे हैं। अगर वराइटीज के बारे में बताया जाए तो इंस्पिरेशन कलर रेड कलर के लिए इंस्पिरेशन है, नाइस कलर है, ब्राइट रेड कलर है। ये मीडियम साइज फ्रूट्स है, 140-180 ग्राम आएगा, एक्सलेंट कलर है, शेल्फ लाइफ भी बढ़िया है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बढ़िया वैरायटी है इंस्पिरेशन। अगर येलो में देखा जाए बचाटा है रिग्जवान के पास, ये भी बढ़िया वैरायटी है, इनमें से फ्रूट क्वालिटी भी अच्छा है तो यील्ड भी अच्छा है। तो ये ग्रीन में बताना है तो मसीलिया करके रिग्जवान के पास एक वैरायटी है, तो ये भी बढ़िया वैरायटी है ग्रीन के लिए, कंटिन्यूस एंड बैलेंस्ड प्रोडक्शन करेगा। और एक राइक्सवान में प्रस्तुत कर रहा है 35-160 करके रेड वैरायटी, तो ये भी इम्प्रूव्ड वर्शन है, तो इसको भी कई ये भी दो बढ़िया वैरायटी है। नॉर्थ इंडिया में कई किसान भाई इसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसका साइज बढ़िया है, कलर भी बढ़िया है। तो इसके लिए तो मुझे तो यहाँ बुला के तो मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने, आपसे एक घंटा एक्सपीरियंस शेयर करने से तो मुझे मौका दिया। सभी किसान किसान का तो पदाधिकारियों को तो मैं बहुत बहुत बहुत, बहुत ये नमस्कार करते, तो मेरा ये प्रेजेंटेशन को मैं ये यहाँ पर छोड़ूंगा। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है 9686688393, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर जो भी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए v.reddy@raikswan.com में भी आप मुझे ईमेल के द्वारा भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आप आपका शेयर स्क्रीनिंग स्टॉप कर सकते हैं? हाँ जी। ओके, अटेंडीज को अगर कोई सवाल होंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि प्लीज वो Q&A में अपने क्वेश्चंस पूछे। हमारे अटेंडीज में एक विनायक करके है जिन्होंने रेज हैंड किया है। विनायक जी अगर आपको नीचे अनम्यूट का बटन दिख रहा होगा। हाँ बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। आपने लास्ट में जो स्लाइड दिखाई कि विदाउट सॉइल आप फसल ले सकते हैं, उसमें आप क्या यूज कर रहे हैं? कोकोपीट यूज कर रहे हैं जी। कोकोपीट वन पेड़ के लिए, एक पौधे के लिए कितना कोकोपीट और उसका कॉस्ट क्या रहता है यार करीबन? हाँ, वो ग्रो बैग का 12x13 का ग्रो बैग है, 165 GSM थिकनेस का ग्रो बैग, उसका कॉस्ट आएगा, ग्रो बैग का कॉस्ट आएगा लगभग 10 रुपया, और उसमें हमको 1 kg ड्राई कोकोपीट होना चाहिए। वो 1 kg ड्राई कोकोपीट का कॉस्ट होगा 20-22 rupees, और उसका न्यूट्रिशन कॉस्ट देखा जाए तो पूरा मिला के हमको ग्रो बैग, पॉलिथीन ग्रो बैग, कोकोपीट एंड न्यूट्रिशन कॉस्ट पर ग्रो बैग 50-55 rupees आएगा। अच्छा, ऑटोमेशन वो प्लांट को वो पूरी सफर कर लेता है लास्ट प्लांट के एज तक? हाँ, एक वो कोकोपीट वन क्रॉप, एक साल तक हम वन क्रॉप ले सकते हैं उसमें। लेकिन हमें विदाउट ग्रीन हाउस और विदाउट पॉली हाउस हमें और विदाउट सॉइल अगर ये फसल लेना है, एज वेस्ट ऑफ वेस्ट जगह है मेरी। अच्छा। जहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर रहे, जहाँ सेड है, कोई जगह पे लेना है तो वो ले सकते हैं हम लोग?
नहीं, उसको पॉलिथीन शीट होना जरूरी है, ग्रीन हाउस होना चाहिए कलर कैप्सिकम के लिए। ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस अगर हमें ग्रीन ग्रीन कैप्सिकस लेना है, कलर नहीं लेना। शेड नेट में कर सकते हैं आप, शेड उसको शेड लगा के शेड नेट में कर सकते हैं। शेड नेट में एक दिक्कत है, अगर बरसात के दिन में तो वो बरसात ज्यादा हो गया तो जो हम काट दिया दिया जाए खराब हो सकता है, डाइल्यूट हो जाएगा। उसको ड्रीपी लगाना पड़ेगा क्या भाई, हैंड से या पाइप से हम उनको पानी सप्लाई कर सकते हैं? ड्रिप लगाना पड़ेगा, उसके लिए ऑटोमेशन है, ईसी एंड पीएच बेस्ड सेंसर का एक ऑटोमेशन यूनिट है, उसको लगाना जरूरी है। अच्छा, वो वेस्ट जगह पे, यानी जहाँ मेरा बहुत सारा शेड्स है कि जहाँ खाली है, हम ऊपर से समझो कि टीन का रूफ है और नीचे हम ग्रीन साइड से पैक कर लिया, तो उसमें हम वो बना सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बना सकते हैं। साइड से हम पूरा नेट सेट लगा के, ऊपर का टीन का रूफ है, लेकिन वो रूफ प्लास्टिक होना चाहिए या शेड नेट शेड होना चाहिए? उसको धूप चाहिए चाहिए। हाँ चाहिए, धूप चाहिए। वो शिमला मिर्च के लिए जितना ओपन फील्ड में जो है वो कलर के लिए या ग्रीन के लिए, उसमें आधा धूप चाहिए। आधा धूप चाहिए। हाँ जी, आप वो टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं बन सकते, धूप ही कंफर्म धूप ही चाहिए, सनलाइट ही चाहिए। हाँ सनलाइट चाहिए, नहीं तो आप एलईडी लगाना है तो वो कॉस्ट बढ़ेगा। अच्छा चलो, मैं ट्राई करूंगा, मैं आपकी हेल्प लूंगा, तुम्हारा नंबर तो मैंने सेव कर लिया है। ठीक है, तो मेरा एक कोलीग है, आप कहाँ से बोल रहे? पूना महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ मैं। ओके सर, थैंक यू। नमस्ते वेणुगोपाल जी। हाँ जी, आई अप्रिशिएट योर ओपिनियन रिगार्डिंग द केमिकल यूज ऑफ केमिकल इज द लास्ट ऑप्शन फॉर डिसीज एंड पेस्ट कंट्रोल। मेरा क्वेश्चन है कि वेदर इट इज पॉसिबल टू गो फॉर ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी इन कैप्सिकम, कलर कैप्सिकम, and whether it is, if it is possible, whether shall we go for open cultivation? Grafting successful है, अगर महाराष्ट्र में पालघर में देखा जाए तो वो soil borne diseases के लिए वहाँ पाइटोप्तरा का ज्यादा इंसिडेंस है, bacterial wilt का ज्यादा प्रॉब्लम है वो पालघर बोईसर का सराउंडिंग वानगांव में, तो वहाँ की ग्रोअर्स ऑलरेडी ग्राफ्टेड प्लांटिंग को लगा रहे हैं, वो खुद ग्राफ्टिंग कर रहा है, तो आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ओके, शैल वी गो फॉर ओपन कल्टीवेशन एक्सक्लूसिव? हाँ जी, वो ओपन कल्टीवेशन में लिए कलर कैप्सिकम के लिए नहीं हो पाएगा, लेकिन हरा मिर्च के लिए आप, हरा शिमला मिर्च के लिए आप कर सकते हैं ओपन में। ओके ओके, थैंक यू, वेलकम। Q&A टैब में दो क्वेश्चंस है, कैन यू प्लीज रीड इट? चिल्ली में वायरस नहीं आना, इसलिए क्या करना चाहिए या क्या करना चाहिए? हाँ, और प्लीज सेंड फर्टिगेशन रिसीप्ट फॉर सोइललेस। हाँ ओके, सोइललेस के लिए फर्टिलेस। ये वायरस के लिए मैंने बताया तो नहीं आना चाहिए करके, ये वायरसेस जो है वेक्टर बोर्न डिसीजेस वायरस जो है, या व्हाइट फ्लाई से मैंने रिपीटेड किया, व्हाइट फ्लाई से लीफ कर्ल वायरस आएगा, थ्रिप्स के लिए थ्रिप्स से स्पॉटेड विल्ट वायरस, मैंने तस्वीर भी दिखाया, और एपिड से मोजाइक वायरस आएगा, तो इसके लिए तो इन तीनों वेक्टर से क्रॉप को बचाना बहुत जरूरी है, और मैकेनिकली ट्रांसमिटेड वायरस है, वो मैकेनिकली ट्रांसमिट वायरसेस है जो है हम टोबैको मोजाइक वायरस जो बोलते हैं TMV, वो मैकेनिकली ट्रांसमिटेड है। इसमें तो तंबाकू बीड़ी सिगरेट इस्तेमाल नहीं करना, जब भी क्रॉप वो प्रूनिंग कर रहा है, हार्वेस्टिंग कर रहा है, तब वो ये करेगा, तो ये हंस खाएगा, वो चुट्टा बीड़ी या स्मोक करेगा, तो बाद में जाके वो पौधा को तोड़ेगा, तो इसीलिए टोबैको प्रोडक्ट से हटा के रहना बहुत जरूरी है, पॉलियोज या नेटो से ओपन फील्ड में, वो जो वायरस है तंबाकू से जो ट्रांसफर होता है वो मैकेनिकली ट्रांसमिटेड है, अगर व्हाइट फ्लाई से जो होता है वो लीफ कर्ल वायरस है, वो लीफ कर्ल वायरस व्हाइट फ्लाई
ये करेगा इस लीफ कर्ल वायरस व्हाइट फ्लाई को व्हाइट फ्लाई से क्रॉप को बचाना बचा के रखना और थ्रिप्स से क्रॉप को बचा के रखना और एपिड से क्रॉप को बचा के रखना, इन तीनों तो अन्य प्रकार का वायरस उसको ट्रांसमिट करेगा, ये बहुत जरूरी है। अगर एक बार वायरस आ गया तो हम उसको क्यूर नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसका लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं लेकिन वायरस को प्लांट से निकाल नहीं सकता। प्लीज सेंड फर्टिगेशन रेसिपी फॉर सॉइललेस कल्टीवेशन, ऐसा एक सवाल है। हाँ जी, वो हम कह सकते हैं, उनका उनका ईमेल आईडी आपका पास आ गया तो मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए, वो ईमेल आईडी पर मैं वो सॉइललेस का फर्टिगेशन रेसिपी जो है मैं शेयर करूंगा। ठीक है संदीप जी, आप अपना ईमेल आईडी चैट में डाल दीजिए एंड हम आगे का कर लेंगे। आई थिंक सवाल यहाँ अटेंडीज के खत्म हो चुके हैं। हाँ जी, तो देशपांडे निरंजन जी एंड कुलकर्णी जी, अगर आप कुलकर्णी जी या वेदर प्रकाश कुलकर्णी जी उद्यान श्री, आपको कुछ बहुत बोलना है? अदरवाइज वी कैन इट्स ओके, इट्स वेरी नाइस प्रेजेंटेशन यू नो। थैंक यू सर, यू हैव डन लॉट ऑफ होमवर्क, कॉम्प्लीमेंट्स। थैंक यू सर, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ। थैंक यू वेरी मच सर। ओके अच्छा, on behalf of all India Vegetable Growers Association and Kisan, आप श्री वेणुगोपाल रेड्डी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ। और किसानों के फायदे के लिए बताना चाहूंगा कि ये सारा रिकॉर्ड हुआ है और ये हम फेसबुक और यूट्यूब पे होस्ट करने वाले हैं, तो आप बाद में भी अगर देखना चाहेंगे तो वो देख पाएंगे, और आपके दोस्तों को भी आप ये लिंक शेयर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। शुक्रिया, और फिर से आप से मार्गदर्शन का मैं अवसर मिलेगा ऐसे आशा करता हूं, और फिर मिलेंगे। थैंक यू बाय। थैंक यू। किसान कृषि में आधुनिक तकनीकों को जानिए, विशेषज्ञों के साथ सीधे संवाद करें। किस